ऋषभ पंत के हालिया प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट चयन समिति के प्रमुख MSK प्रसाद की परेशानी बढ़ा दी है। इस वर्ष 30 मई से इंग्लैंड में विश्व कप का आगाज होगा और इसके लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होना है। टीम में विकेट कीपर के रूप में MS धोनी का स्थान तय है, लेकिन ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के हालिया प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को परेशान कर दिया है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भारत के 3-3 विकेट कीपर मैदान में उतरे। ये पहला मौका था जब टीम के 3 विशेषज्ञ विकेट कीपर एक ही मैच में खेल रहे हों। दिनेश कार्तिक बतौर बल्लेबाज टीम में अपना स्थान बना चुके हैं, लेकिन पंत को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इसे लेकर MSK प्रसाद ने कहा कि निसंदेह पंत विश्व कप के लिए चुनी जाने वाली टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा और परिपक्व होने की जरूरत है। लेकिन पंत के प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का सिर दर्द जरूर बढ़ा दिया है। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ICC T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। कीवी टीम से T20 सीरीज में 2-1 से मिली हार से टीम रैंकिंग में भारत के 2 अंक कम हो गए हैं, लेकिन इससे भारत की मौजूदा रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत अभी भी पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान पॉइंट टेबल के पहले स्थान पर है। टॉप 10 में भारत का कोई और गेंदबाज नहीं है। कुलदीप के स्पिन जोड़ीदार युजवेंद्र चहल 6 पायदान गिरकर 17वें स्थान पर है, जबकि भुवनेश्वर कुमार 18वें स्थान पर बने हुए हैं। बल्लेबाजों में पाकिस्तान के बाबर आजम शीर्ष पर हैं। भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा 7वें और राहुल 10वें, जबकि शिखर धवन 11वें स्थान पर हैं। PCB के नए प्रबंध निदेशक वसीम खान ने माना कि निकट भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज मुश्किल है। दोनों टीमों को मैदान पर लाने के लिए नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे नहीं लगता कि इसका समाधान जल्द निकलेगा। भारत में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए निकट भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन PCB अध्यक्ष एहसान मनी और हम सभी भारत से बातचीत शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये काफी दुख की बात है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिंदगी चल रही है। तेज गेंदबाज मार्क वुड और ऑफ स्पिनर मोइन अली की घातक गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज की पहली पारी इंग्लैंड के खिलाफ 154 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 123 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 19 रन बना लिए थे। इससे पहले आज सुबह का सत्र इंग्लैंड ने अपने अंतिम 6 विकेट सिर्फ 19 रन जोड़कर गवा दिए और पूरी टीम सिर्फ 277 रन पर आउट हो गई, जिससे लगा कि वेस्टइंडीज इस मैच को भी आसानी से जीत लेगा। लेकिन मार्क वुड के 5 और मोइन अली के 4 विकेटों ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ जॉन कैंपबेल ने 41 और शेन डावरेज ने 38 रन बनाकर कुछ संघर्ष किया। वेस्टइंडीज पहले ही टेस्ट सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना चुका है। FC पुणे सिटी ने हीरो इंडियन सुपर लीग के 14वें दौर के मुकाबले में 2 बार के चैंपियन ATK को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पुणे को 17वें मिनट में बढ़त मिल गई, जब ATK के डिफेंडर जॉन जॉनसन ने आत्मघाती गोल कर दिया, लेकिन 6 मिनट बाद जयेश राणे ने ATK को बराबरी पर ला दिया। 61वें मिनट में ATK ने इच्छु गार्सिया के गोल की मदद से बढ़त 2-1 कर दी, लेकिन 76वें मिनट में रोबिन सिंह ने पुणे के लिए बराबरी का गोल दागकर टीम को हार से बचा लिया। इस मैच से दोनों टीमों को 1-1 अंक हासिल हुआ। स्पोर्ट डेस्क, DB लाइव।